बहुत बढ़िया, चटनी में स्वाद आ गया। अब मेरी तो एक समाज सेवा की भावना में फायदा नहीं कमाना चाहता। मैं हाइपर लोकल स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने की हमारी मुहिम जारी है और इस वक्त एक नई जगह पर हूँ। जगह भी नई है, स्वाद भी नया है और यहाँ पर बड़ी शानदार ऑफर चलती है। 10 रुपए में 4-4 समोसे मिलते हैं। सिर्फ 10 रुपए में 4 समोसों का स्वाद लिया जाएगा। और मैं कहाँ पर हूँ आपको बता दूँ, ज्वाला नगर का पुल उतरते के साथ ही यहाँ पर पिज्ज़ा टाउन की ये शॉप है। और यहाँ पर भाई देखिए, समोसे लगाते हैं 10 रुपए में 4, तो इसका स्वाद कैसा है, जायका कैसा है आपको बताया जाएगा। साथ ही इस शॉप के जो ओनर है उनसे हम मुलाकात करा दें। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगाराम सैनी है। सैनी जी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ जी, अपने सुनाइए। बढ़िया बढ़िया, मेरे ब्लॉग में स्वागत है आपका। वेलकम, आपका भी स्वागत है हमारे यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये बताइए कि यहाँ पर ये हमने 10 रुपए के 4 समोसे देखे, ये क्या लॉजिक है, 10 के 4 कहाँ मिल रहे हैं? अरे कहीं नहीं मिल रहे साहब, मेरी तो एक समाज सेवा की भावना, मैं फायदा नहीं कमाना चाहता। मेरी अपने और भी काम है, मैं चाहता हूँ कि लोगों को जोड़ा रहूँ। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं रोजगार दे रहा हूँ। अरे वाह, अच्छा। कुछ लोग काम कर रहे हैं, ये इसका कोई मालिक नहीं है, सब ये मालिक है जितने खड़े हैं। ये क्या बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया। मालिक नहीं है इसका, सब मालिक है भाई साहब, आपकी सोच बहुत बढ़िया। हाँ, ये मैं मालिक नहीं, मैं तो उठका हूँ, मेरा तो ऑफिस उधर बैठा हूँ। ये सब मालिक है, ये मालिक है और ये बना रहे हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस, मैं चाहता हूँ इसमें मुझसे कुछ लेते रहो, जनता को खिलाते रहो और अपना अपना कुछ निकालते रहो। अरे क्या बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया, आपसे बात करके आनंद आ गया। ये मेरा पिज्ज़ा है साहब, पिज्ज़ा भी हम बहुत कम रेट पे अपना बनाते हैं, वेस्ट से लेकर पूरा तैयार करते हैं। हमारा यहाँ पर अपना रामपुर में अलग टेस्ट है पिज्ज़ा का। अच्छा, क्या रेट होता है? पेट हमारा स्टार्टिंग रेट 60 रुपये से है। 60 रुपये से पिज्ज़ा? पिज्ज़ा 60 रुपये का फ्रेश पिज्ज़ा। कौन कौन से? ऑनियन पिज्ज़ा है, कैप्सिक है और आपका पनीर है। छोले चावल भी होते हैं? हाँ, छोले चावल भी हैं। उसका क्या रेट होता है? 20 रुपए की प्लेट है हमारे छोले चावल की। अच्छा भाई साहब, क्या बात है, 20 रुपए की प्लेट है। ये बताइए, आइडिया कहाँ से आया आपके पास? बस आइडिया क्या है, मेरा एक लंबा पीरियड, मैं 84 से इसी काम को करता हूँ, 84 से। हाँ, जब मैं स्टार्टिंग के 25 पैसे का समोसा बेचता था मैं, आज तो मैंने 2.5 रुपये कर दिया भाई साहब। 25 पैसे से शुरू हुए और 25 पैसे को 2.5 रुपये कर दिया, बीच में आपने पॉइंट लगा दिया। जी 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 जी। अच्छा, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? मैं ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, ग्रेजुएट हैं? जी जी। तो ग्रेजुएट होने के बाद इस तरीके के काम लोग करते नहीं थे पहले? नहीं, मेरी सोच तो ये है कि भाई काम कुछ भी हो उसे अच्छे ढंग से करो, और इससे मुझे बहुत लोगों से मिलने का मौका मिलता है। हाँ, पब्लिक दिन भर पब्लिक डीलिंग है, इसके साथ साथ मेरा दूसरा बिजनेस से भी फायदा होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, और क्या करते हैं? मेरा इंश्योरेंस का काम है। अच्छा, इंश्योरेंस का काम। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये बताइए कि आज हमें 4 समोसे टेस्ट करवाएंगे आप? बिल्कुल कराएंगे। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब, सैनी साहब के यहाँ पर हैं हम, और यहाँ पर जो है समोसे टेस्ट किए जाएंगे। आपको दिखा दूँ कि किस तरह से भाई समोसे बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए, शानदार तरीके से भाई समोसे बना रहे हैं। समोसे का साइज जो है थोड़ा छोटा है, लेकिन भाई साहब इसमें ये क्या पड़ा हुआ है? समोसे जी, ये मेथी है। मेथी। अच्छा, मेथी लगाते हैं इसमें, मेथी। अरे क्या बात है भाई साहब, मेथी लगाई जाती है समोसे? मैं पहली बार देख रहा हूँ कि समोसे मेथी। और क्या क्या खाल डालते हैं इसमें? मेथी डालते हैं इसमें, अजवाइन लगाते हैं। अच्छा, अजवाइन। और हम जो इसमें रिफाइंड का यूज करते हैं वो है फॉर्चून, बढ़िया वाला लगाते हैं। अच्छा, बढ़िया क्वालिटी वाला, बढ़िया क्वालिटी का लगाते हैं। बहुत बढ़िया भाई साहब, देखिए कितने शानदार तरीके से भाई समोसे बन रहे हैं। देखते ही मुँह में स्वाद आ गया है, गरम गरम समोसे हैं और 10 रुपये में 4 समोसे हैं भाई साहब। ये बताइए सैनी साहब कि आपकी शॉप किस किस टाइम तक खुलती है? हमारी सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाती है और रात के 11 बजे तक। रात 11 बजे तक? जी जी। कोई छुट्टी भी होती है क्या? कोई छुट्टी नहीं है हमारी। अरे वाह, पूरे दिन। अच्छा, ये एड्रेस क्या है, प्रॉपर एड्रेस? ये इसका एड्रेस है रामनिवास मार्केट, शहबाद रोड, ये प्रथम बैंक शहबाद रोड, रामपुर। रामपुर अजीतपुर के पास है? अजीतपुर के पास। तो भाई साहब, एड्रेस जो है अजीतपुर के पास है और कोई छुट्टी नहीं होती है, सारे दिन खुलती है, सातों दिन खुलती है, पूरे महीने खुलती है। और सैनी जी, भाई साहब बहुत गजब की इनकी सोच है, ये कह रहे हैं कि सस्ता रेट इसलिए ताकि लोग खा लें। 20 रुपए में भी चावल से खा लेते होंगे लोग आराम से। बहुत बढ़िया, हमारे यहाँ 20 रुपए में फुल पेट भर जाओ, 30 में पेट भर जाओ। प्लेट भाई साहब, पीछे देखिए लोग यहाँ पर समोसों का लुत्फ भी ले रहे हैं यहाँ पर, और इधर जो है ये गरम गरम समोसे बनाए जा रहे हैं। तो भाई कितनी देर में रेडी हो जाएंगे समोसे? 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट। क्या भाई साहब, देखिए जबरदस्त स्वाद आ रहा है। और ये बताइए कि ये समोसों की मेकिंग आप कब से स्टार्ट कर देते हैं? ये सुबह 7:30 बजे शुरू कर देते हैं हम। अच्छा। हाँ, सुबह 7:30 बजे हमारे मिलना शुरू हो जाता है समोसे। और रात में कब तक? 10:30 तक।
रात के साढ़े दस बजे तक बेचते हैं, बिल्कुल बेचते हैं हम भाई साहब। हाँ। रात में 10:30 बजे तक समोसे, क्या बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो आज इसका स्वाद लिया जाएगा और आपको स्वाद का जायका भी बताया जाएगा। रामपुर में हाइपर लोकल स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने की हमारी मुहिम जारी है और इसी मुहिम के तहत हम कोशिश करते हैं रोज नया नया जायका, नया नया स्वाद लाया जाए। तो आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं भाई साहब 84 से भाई स्वाद देने का काम करना। सबसे बड़ी बात ये कि खुद LIC में भी हैं और वहाँ पर भी लोगों को रोजगार देते हैं भाई। तो ये बताइए कि कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर? हमारे पास स्वाद है, स्वार है, मिलक है, इधर से सब तरफ से बाकी देहात है, पंजाब नगर कुछ तहसील के गांव भी हैं, तो टांडा है और आपके ये लोकल गांव पंजाब नगर है, हुआ पटबाई हुआ, नारायणपुर हुआ, ककरुआ हुआ, अजीतपुर हुआ, ये सारे गांव के लोग हमारे पास, आगापुर हुआ, ज्वालानगर कॉलोनी है, ये सब लोग आते हैं हमारे पास। सब लोग आते हैं जी जी भाई साहब। तो भाई साहब देखिए समोसे जो है आ चुके हैं, समोसे आराम से कोई 5 बच्चा लाता है 5 रुपए और वो 2 समोसे आराम से खाता है और 5 रुपए में 2 लोग खा के चले जाते हैं। 2 लोग खा लेते हैं। कोई चटनी वटनी डाल के देते हैं? चटनी, हरी वाली चटनी बढ़िया जो बनाई है। अरे वाह, क्या भाई साहब, मैं करीब से दिखाना चाहूंगा भाई साहब, देने का तरीका देखिए, हरी वाली चटनी जो है भाई डाल के देते हैं इस पर, क्या बात है भाई साहब। 5 रुपए में 2, 10 रुपए में 4, यानी कि 10 रुपए में 2 लोग खा लेंगे भाई साहब, बहुत बढ़िया बात है भाई साहब। देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। और एक चीज़ मैं और दिखा दूँ, भाई ने बैठने का भी प्रबंध कर रखा है, पहले मैं आपको विजिट करवा दूँ इनका, यहाँ पर भी बैठ सकते हैं ठीक है। और इसका यहाँ पर देखिए पूरा भाई ने बैठने की व्यवस्था जो है कर रखी है यहाँ पर ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये विशेष व्यवस्था है बैठने की, और जब तक कस्टमर की डिमांड रहती है बनाता रहता हूँ, कमी नहीं होती है ना, ना कमी नहीं, बहुत बढ़िया भाई साहब। हाँ। तो भाई साहब ये बात भी तय हुई कि अगर आप आएंगे तो बिना समोसे खाए वापस नहीं जाएंगे, पक्की बात है? बिल्कुल पक्का, बिना समोसे खाए आपकी बार फोन करके आना कुछ स्पेशल। अच्छा, रेट वही 5 रुपए का दो होगा, 5 का 2 होगा। ऊपर वाला कोई महंगाई भी कर देगा तब भी मेरा इरादा जब 5 का 2 ही बेचूंगा। अरे भाई साहब कह रहे हैं अगर महंगाई भी होगी तो 5 के 2 ही मिलेंगे यहाँ पर, 5 रुपए में बंदा यहाँ से समोसे खा के जाएगा, पक्की बात है? बिल्कुल पक्की पक्की, बहुत बढ़िया भाई साहब। देखिए ऐसे लोग जब होते हैं, और देखिए खान पान का मामला जो है वो पेट से जुड़ा होता है, जब लोगों को भूख लगती है उनकी भूख मिटाने के लिए। मेरे पास सबसे ज्यादा स्कूल के बच्चे आते हैं, मैं उनको देखता हूँ, स्कूल के बच्चे बेचारे आते हैं, उन पे 5 रुपए होते हैं और 2 बच्चे होते हैं तो तोड़ के खाते थे। मैंने सोचा इन बच्चों के लिए मैं क्यों ना कोई नई प्लानिंग करूँ, मैंने कहा अरे भाई इन लोगों को खिलाना, ये तो ये बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, कल को हमें याद करेंगे, ये तो भविष्य के हमारे स्टार हैं। तो मैंने कहा बच्चों इनको, बच्चों को देखो, मैं देखता था तो मैंने 10 के 4 कर दो यार, 10 रुपए में 4 लोग समोसे खाते हुए जाएंगे। क्या बात है भाई साहब। भाई साहब मैं यहाँ से जा रहा था और मैंने देखा कि यार 10 के 4 समोसे, मैंने कहा इस महंगाई के दौर में 10 के 4 समोसे देने वाला बंदा कौन, उससे मिला जाए सबसे पहले, बस मैंने आपके पास बस मेरी सोच यही थी। मैं बच्चों को देखता था यहाँ से जाते हुए, गुजरते बच्चे, मैंने कहा ये छोटे छोटे बच्चे आते हैं समोसे तो कह रहे हैं 5 रुपए एक समोसा, वो तोड़ के खाते थे। मैंने कि आज हम इसको डिवाइड करके इसके 2 बनाते हैं हम, और एक एक बच्चा जो है 5 रुपए लाएंगे 2 खाएंगे, अगर 10 रुपए भी है तो 4 बच्चे खा लें, मैं उनको बना पानी पिलाते हैं, बिठाते हैं, आराम से खिलाते हैं। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत पुण्य काम कर रहे हैं, सवाब का काम भी कर रहे हैं आप। तो भाई साहब हमारी जो मुहिम चल रही है हाइपर लोकल स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने की मुहिम चल रही है, ऐसे में एक नया जायका नया स्वाद आपके लिए लेकर आए हैं। और अब देखिए इसका स्वाद लिया जाएगा, मैं दिखा दूं कितना खूबसूरत लग रहा है। और एक समोसा आप भी खाइए ना। अच्छा आप लीजिए, मैं और मंगाता हूँ। नहीं नहीं इसी में से लीजिए। अच्छा, एक समोसा जो है, क्योंकि सैनी साहब के साथ खाने का तो मज़ा ही अलग है भाई साहब, और आपको भी जायका दिया जाएगा, स्वाद दिया जाएगा। तो भाई देखिए यहाँ पर मैं आपको करीब से दिखा दूँ, इसके अंदर भाई ने क्या क्या डाला है वो मैं दिखा दूँ जरा सा। देखिए मैंने समोसा ये तोड़ा है इसके अंदर, क्या बात है भाई साहब, जबरदस्त हरी मिर्च है, अदरक है, आलू है ठीक है। तो बहुत शानदार जो है अंदर फिलिंग है इसके। अब इसका स्वाद लिया जाएगा, जायका लिया जाएगा, ताकि आप कभी भी आएँ तो ये स्वाद और जायका ज़रूर लें। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। बहुत बढ़िया भाई साहब, गुड। तो भाई साहब बहुत बढ़िया, तो सबसे बड़ी बात ये मेथी भी डली हुई है इसके अंदर, तो मेथी जो है डाइजेस्टिव होती है, पेट ख़राब नहीं करती है, इस वजह डाली हुई चटनी बड़े मज़े की भाई साहब इनकी, बहुत बढ़िया चटनी में स्वाद आ गया। और हमारी इस मुहिम से आप जुड़े रहिए, इसमें साथ मीठी चटनी भी, मीठी अगर लेना चाहते खट्टी। अच्छा मीठी का भी ऑप्शन है, तो भाई साहब मैंने खट्टी चटनी ली है, मीठी का भी ऑप्शन है, आप ले सकते हैं। और बड़ा और ले जाओ तो मुझे आप मीठी के साथ लो, बड़ा ही ज़बरदस्त स्वाद है, जायका बड़ा ज़बरदस्त है। तो हमारी हाइपर लोकल स्ट्रीट फूड की मुहिम में आप जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, जय हिंद।